आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। बुलडोजर को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं और बताया है कि इसका इस्तेमाल किस पर करना है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। योगी सरकार ने दोबारा सत्ता में आने से पहले बुलडोजर के लेकर जो बयान दिया था उसको पूरा करने का काम किया है। एक नया शोध किया और मैंने वहां एक बुलडोजर बनवाया। हमारे नए लड़के जानते होंगे, मैंने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया और मैंने उसको जिम्मेदारी दी। जितने पेशेवर माफिया हैं, अपराधी हैं, इनको ढूंढ ढूंढ करके इनके घरों को ढूंढो। इन्होंने उत्तर प्रदेश की पूंजी जहां छुपाई है वहां पर बुलडोजर चला करके उसको निकालो और उत्तर प्रदेश का विकास। योगी सरकार एक के बाद एक अपराधियों पर नकेल कस रही है और अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाया जा रहा है। बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ अवैध निर्माण तथा अवैध रूप से सरकारी जमीन पर जिन्होंने कब्जा कर रखा है उन पे किया जाए तथा सारी न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद किया जाए। इन चीज़ों के बारे में कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी सभी जगहों पे बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाना है। बुलडोजर का इस्तेमाल बेजा कहीं नहीं की जाए, इस संबंध में निर्देश है। इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि किसी गरीब की झोपड़ी और दुकान पर बुलडोजर ना चलाएं। बुलडोजर सिर्फ पेशेवर माफिया, दुर्दांत अपराधी और माफियाओं की अवैध संपत्ति पर ही चलाएं। ये तो अच्छी बात है, हम गरीबों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। देखिए हम लोग इतना दूर से आए हुए हैं, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम करके खा रहे हैं, जैसे जी रहे हैं। अगर हम लोगों को यहाँ से उठा दिया तो ये तो बहुत खराब बात है भाई। गरीब के पास और कोई चारा तो नहीं है नहीं, वो 5 से 10 हज़ार तक की कमाई करते हैं, उसमें वो क्या कर लेगा? अपने बच्चों को पढ़ाएगा कि कहीं मकान लेगा या कहीं ज़मीन लेगा? हम लोग यहाँ रहते हैं 3-3 महीना बरसात रहते हैं तो हम लोग की हालत ख़राब हो जाते हैं। हम लोग के बच्चा स्कूल नहीं पढ़ पाते हैं। हम लोग सफाई कर्मचारी की ड्यूटी करते हैं, हम लोग को 3-3, 4-4 महीने होता है, सैलरी सही से नहीं मिलते हैं। वो भी 7,500 में क्या करे, खाए कि बच्चों को पढ़ाए कि कुछ करे? ये तो सही हुआ है कि किसी गरीब की झोपड़ी नहीं टूटा जाएगी, पर ये भी सही लेता है एक तरफ से, ऐसे भी करता है कि गरीब मर भी जाए और ऊपर से सुविधा भी कर जाए। दोनों तरफ से वो देखता है कि एक तरफ से मारे जाए, एक तरफ से सुविधा करे जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे माफिया जिन लोगों ने कमजोरों और व्यापारियों की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया हो, सिर्फ उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाए, किसी को परेशान ना किया जाए। नोएडा, लखनऊ, प्रयागराज से लेकर बरेली तक अवैध संपत्ति पर बनी बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जा रहा है। दरअसल बुलडोजर के एक्शन के बीच ग्रेटर नोएडा से एक वीडियो वायरल हुआ था जहां एक बुजुर्ग की दुकान को नष्ट किया गया था, जिसके बाद सीएम योगी ने ये सख्त निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस और गरीबों के प्रति संवेदनशीलता को लेकर योगी सरकार आगे बढ़ रही है। दूसरी पारी में भी योगी आदित्यनाथ अपनी उसी स्टाइल में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक ओर सरकार ने गरीब कल्याण योजनाओं को नई धार दी, वहीं दूसरी तरफ अपराधियों पर लगाम लगाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार का काम इस बात से समझा जा सकता है कि पिछले एक पखवाड़े में करीब 80 अपराधी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो कहीं ना कहीं अपराधियों के बीच खौफ का विषय बना हुआ है। चाहे बात की जाए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, तो बुलडोजर गरज के जो अवैध कब्जे करने वाले माफिया हैं, भूमाफिया हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर चल रहा है।
और कहीं ना कहीं जो ऐसे अपराधी हैं जो ऐसे जमीनों को कब्जा किए हैं उनके जमीनों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। इस क्रम में हम एक झोपड़पट्टी में हैं जहां आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी खासी संख्या में जो झोपड़पट्टी में लोग हैं और अच्छी खासी संख्या में यहां लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। हमारे खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।